तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, टाइम डायलेशन। डायलेशन मतलब क्या होता है? किसी एक टाइम इंटरवल को क्या करना है, लंबा कर देना है। तो इसी चीज को मैंने यहां लिखा है, द वर्ड डायलेशन मीन्स टू लेंथन लेंथन एन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इंटरवल ऑफ टाइम को मैंने क्या किया, बढ़ा दिया है। सो यहां पर देखिए, कंसिडर टू सिस्टम एस और एस डैश। तो लेट एस डैश बी मूविंग विद द वेलोसिटी वी विद रेस्पेक्ट टू एस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसमें भी कंसिडर करिए कि रिफरेंस फ्रेम मेरा एक्स है, एस है, और एस डैश क्या कर रहा है, एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किस तरफ? टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस। ओके, तो लेट अ क्लॉक इज सिचुएटेड इन द सिस्टम एस एट पोजिशन एक्स पर। ठीक है, एक क्लॉक है जो एक्स पर रखा गया है, एंड गिव सिग्नल्स एट इंटरवल डेल्टा टी। और अपना सिग्नल किसके, डेल्टा टी के इंटरवल में प्रोवाइड कर रहा है। तो दैट इज, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी टू माइनस टी वन, जो डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन वन। सिमिलरली इफ दिस इंटरवल इज ऑब्जर्व बाय एन ऑब्जर्वर इन सिस्टम एस डैश। ये जो था डेल्टा टी किसके कंपेयर में, सिस्टम एस के कंपेयर में, और ये जो डेल्टा टी डैश होगा वो किसके कंपेयर में, सिस्टम एस डैश के कंपेयर में। तो डेल्टा टी डैश की वैल्यू क्या होगी, टी टू डैश माइनस टी वन डैश, जो मेरा इक्वेशन टू है। अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से मैंने देख पढ़ा है अभी, तो टी वन डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, टी वन माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वी माइनस वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर नंबर थ्री। और टी टू डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी टू माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर नंबर फोर। ठीक है, तो यहां देखिए मेरा टी वन डैश और टी टू डैश की वैल्यू मिल गई, तो इसको इक्वेशन टू में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से डेल्टा टी डैश हो गया। क्लियर, तो यहां देखिए, तो डेल्टा टी डैश एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, टी टू माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर माइनस टी वन, और माइनस माइनस प्लस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा जो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, टी टू माइनस टी वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये अल्टीमेटली क्या है, टी टू माइनस टी वन दैट इज डेल्टा टी। तो मेरा डेल्टा टी डैश की वैल्यू क्या मिला, डेल्टा टी के रेस्पेक्ट में ये वाली इक्वेशन मिल गया मेरे को। तो दिस इक्वेशन शोज दैट डेल्टा टी डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा टी, दैट इज द टाइम इंटरवल इन सिस्टम एस डैश इज ग्रेटर देन द टाइम इंटरवल इन सिस्टम एस। जो मेरा टी डैश की वैल्यू होगा वो टी डैश के कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो सिस्टम एस है उसकी जो टाइम इंटरवल है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द सिस्टम एस में। ओके ओके, थैंक यू।